नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी अपडेट मिल जाए। क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आए सभी किसान भाइयों के लिए। क्या अपडेट है, कौन सी अपॉर्चुनिटी है आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे, क्योंकि वीडियो स्किप करते हैं इन्फॉर्मेशन मिस होने वाली है। जो कि आप देख सकते हो, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, समृद्ध किसान हमारी पहचान, जो कि हरियाणा वासियों के लिए आपके रजिस्ट्रेशन फसल बेचने के लिए पिछले साल भी हुए हैं, और आए 6 महीने बाद आपको फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और आपके लिए यही इन्फॉर्मेशन लेके आए जी, आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, धान के और नरमे के, कॉटन के आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो आपने किसान अनुभाग में आपने क्लिक करना है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल खोलकर। ये पोर्टल है जी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जैसे ही आप करोगे मेरी फसल मेरा ब्यौरा लिखोगे, ये पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। फर्स्ट पोर्टल पर आपने क्लिक करना है, उसके बाद क्लिक हेयर, किसान अनुभाग में क्लिक हेयर करना है। सिंपली आपके सामने ये 3-4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है जी। कौन से 4 ऑप्शन है पूरी डिटेल दे रहे हैं। पहले में है जी किसान पंजीकरण, जिसमें आप क्या है अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन, थोड़ा सा आपको डेमो भी बताएंगे, पूरा कंप्लीट डेमो भी देंगे, ठीक है जी। पहले तो आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे यहाँ पर किसान पंजीकरण में, उसके बाद आपका अगर पंजीकरण क्लियर हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, सबमिट हो जाता है, ठीक है जी, क्लियर हो जाता है, ओके हो जाता है, तो उसके बाद प्रिंट आउट कर निकालना है, तो यहाँ से प्रिंट आउट निकलेगा, उसका भी थोड़ा सा बताएंगे। और यहाँ पर आप अपना बैंक विवरण भी चेंज कर सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है भी आपने जी सबमिट कर दिया बट आप बैंक ब्यौरा गलत दे बैठे हो या कोई मिस्टेक कर बैठे हो, तो इसमें भी आप बदलाव कर सकते हो, निश्चिंत रहिए। और ये नई इंफॉर्मेशन, नया ऑप्शन आया जी, ई फसल क्षतिपूर्ति सूचना देने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। ये ई फसल जो आप ऑटोमेटिकली कह लें इलेक्ट्रॉनिक्स मेथड से, यानी कि इस पोर्टल के माध्यम से जो बेचते हो, पहले आपका ई पंजीकरण होना जरूरी है किसान का। अगर आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ होगा फसल का, तो ही आप क्षतिपूर्ति की सूचना दे सकते हो, ठीक है जी। सबसे पहले इसकी बात करें तो इसमें आपका फसल ब्यौरे का पूरे का पूरा ये देख सकते हो, ट्रिपल पी आईडी की तरफ से या MFMB आईडी की तरफ से, या आप मोबाइल नंबर के सहायता से इस पर अपना क्षति की डिटेल दे सकते हो। कि इस 3 ऑप्शन के थ्रू आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर कीजिए तो इजी रहेगा, क्योंकि ट्रिपल पी किसी को याद होती है, किसी को नहीं होती। MFMB आईडी भी किसी को याद होती है, जो कि फसल ब्यौरे की आईडी है, वो किसी को याद होती है, किसी को नहीं होती। और मोबाइल नंबर तो और एक को याद होता है जी, मोबाइल नंबर पर ये यहाँ पर अपना जो कैप्चा शो है, कैप्चा एंटर कीजिए, और यहाँ पर आप अपना कैप्चा शो करके लॉगिन करके OTP वेरीफाई करके अपनी डिटेल दे सकते हो भी कितनी क्षति हुई है, ठीक है। ये ऑनलाइन हो गया जी आपका, और ये पड़ोसी राज्यों के लिए, हरियाणा को छोड़कर जिनका है, ये हरियाणा के किसानों का, अगर और बाहर के देश, बाहर के स्टेट वाले करेंगे तो इनमें करेंगे, ठीक है जी। जिनके जमीन हरियाणा में है बट वो कैंडिडेट हैं बाहर के, वो फार्मर हैं बाहर के, ठीक है जी। जैसे राजस्थान वाले हरियाणा में फसल ले लेते हैं, जमीन ले लेते हैं, वो तीज। इसमें बात करें तो आपको पंजीकरण इस माध्यम से होगा, पंजीकरण पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर किसान पंजीकरण हरियाणा, इस पर क्लिक करते आपके मोबाइल नंबर मांगेगा, जो आपने पिछली बार दिया हो वो ही नंबर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अपना जो भी कैप्चा शो है वो कैप्चा फिलअप कीजिए, कैप्चा फिलअप करने के बाद आपने उसके बाद OTP जो जाएगा OTP वेरीफाई कीजिए। अगर पिछली बार रजिस्ट्रेशन किया है तो आपसे कोई भी डिटेल नहीं मांगेगा, सारी की सारी डिटेल ऑटोफिल होगी, सिर्फ और सिर्फ आपसे ज़मीन का रकबा, मुरब्बा नंबर, खसरा नंबर मांगेगा और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी ऑटोमेटिकली, क्योंकि बैंक अकाउंट भी पिछली बार का उठाएगा, फैमिली आईडी भी उठा लेगा, आपका नाम, फादर नेम, डिटेल्स, आपके कनेक्शन बोर्ड का कितने हैं, आपकी सारी डिटेल ऑटोमेटिकली ग्रैब कर लेगा, ठीक है। इससे रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, डिटेल में भी बताएंगे आपको, एक स्पेशल डेमो भी देंगे भी आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अब की बार गेहूँ का
सॉरी गेहूँ का नहीं, सॉरी धान का, पैडी का, और उसके बाद आपका रूं का यानी कि कोटन का आपका रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो चुका है। लास्ट डेट अभी तक कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि हरियाणा में क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे घर में 4 भाई हैं, 9 या 10 भाई हैं, 10 में से जो पहले जिनको आता है, या 4 भाई ला लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, 3 भाइयों को ऑनलाइन की नॉलेज है, वो तो अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, जो एक कैंडिडेट पे लास्ट में एक भाई बच जाता है, वो किसान भाई इतना दुखी होता है कि कहीं पर उसको 3 मरले, कहीं पर 4 मरले, कहीं पर 5 मरले करके मिलती है जगह, तो उसको रजिस्ट्रेशन करना और करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जहाँ से करवाता है वो भी चार्जेस बहुत हग मात्रा में अर्जित करते हैं, यानी कि बहुत भारी मात्रा में चार्जेस लेते हैं, 200 रुपये, कोई 250 रुपये, क्योंकि उनको मत्थापच्ची ज़्यादा करनी पड़ती है। इसलिए अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर पंजीकरण प्रिंट पर क्लिक करना है। आपने जो फसल बीजी है ये देख सकते हो, खरीफ और जायद खरीफ, ठीक है जी। इसमें भी डिफरेंस आपको दोनों फसलों में बताएंगे क्या होता है। यहाँ पर अपना नेम इंग्लिश में डालना है, मोबाइल नंबर जो दिया है, और बैंक अकाउंट जो दिया है, उसके बाद प्रिंट करोगे सामने, आपके सामने प्रिंट आउट आ जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें बैंक डिटेल बदलने के लिए, और इसमें भी आपका मोबाइल नंबर, जो कैप्चा शो कैप्चा आपने फिलअप करना है, जितनी बार आप ओपन करोगे पोर्टल को उतनी बार कैप्चा चेंज होगा। मोबाइल नंबर भर के कैप्चा फिलअप करके जारी रखिए पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल अपन फिलअप करके फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको एक सिंपली बता देते हैं, examjobalert.com जैसे सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर आप कंसर्न हमसे कर सकते हो, या ये नंबर मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, ब्योरे के रिगार्डिंग आपको इस पर भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करवा देंगे। अगर कोई हमसे ब्योरा करवाना चाहता है तो उससे पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो अपनी पासबुक, एक अपना खसरा नंबर, मुरब्बा नंबर और किल्ला नंबर, ये ध्यान तैयार रखिएगा, और आपका फसल ब्योरा भी हमारी तरफ से करवा दिया जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रही है, और जल्द से जल्द अपना फसल ब्यौरा करवाइए, डेमो भी आपको जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे आने वाले 2-4 दिन में, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रही है। इसी तरह की अगर और भी अपडेट्स पाना चाहते हो, चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।